टाइम सेव होगा, टाइम बचेगा, ठीक ना। और टाइम बचाना ही हमारा गेम है, एग्जाम है। एग्जाम इज डिजाइन टू टेस्ट योर पेशेंस, इंटेलेक्चुअल लेवल। पेशेंस में कितना परफॉर्म कर पाते हो, यही नीट की या जो भी कंपटीशन है बेस यही होता है, ठीक है। चलो इनिशियली देखो, ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली ऐसा क्वेश्चन थ्योरेटिकल में जब फुल कोर्स कराया जाता है तो ये तो हमेशा कराया जाता है। जब ये आया था तो हमारे बच्चे ने इसको ऐसे ही कर लिए, तो उनको तो आंसर ही याद था, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेमस है थियोरी में, ठीक है। चलो तो थियोरी में बहुत फेमस है, इसको कैसे करते हैं एक बार हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये प्लेन आके यहाँ सर्कल में मुड़ गया है, ठीक है, ये इस टाइप का प्लेन है और यहाँ आके ये सर्कल में बेंड हो गया है, तो यहाँ से एक बॉल चलता है जिसकी हाइट ग्राउंड से h है। अब ये अगर बॉल चलता है तो आपको पता है यहाँ जो सर्कल बना है, बॉल यहाँ भी कभी आएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ कभी आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है, और यहाँ अब यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये जो सर्कल है ग्राउंड से, ये यहाँ पे, यहाँ यहाँ जो ग्राउंड है, आपको पता होगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी यहाँ कितनी दी जाती है। मिनिमम वेलोसिटी आप थ्योरी पढ़े हो ना, अगर एक थ्रेड है तो इसको यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी देते हैं जिससे जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक बार तो हो ही जाए यार, ठीक है। यहाँ से ये खास वेलोसिटी, ये कम से कम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी दे दें जिससे ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए, वो मिनिमम वेलोसिटी आपको याद होना चाहिए। दैट वेलोसिटी इज 5RZ अंडर रूट, आर इज द रेडियस ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर इस बॉल को यहाँ पर एक बार वर्टिकल सर्कुलर मोशन होना है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी कहाँ से आएगी, h हाइट की वजह से। जो h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी है वही पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होने के बाद वो वेलोसिटी इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए एक स्पेशल वेलोसिटी बन जाएगी। और वही कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अरे भाई, ज़्यादा दे दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इससे कम दोगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ब्रेक हो जाता है, और इतना दोगे तो एक बार तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलो तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन AD जिसका डायमीटर AB, जिसका डायमीटर D दिया हुआ, क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ, तो हाइट h की वैल्यू निकालना है, तो एनर्जी कंजर्व करा दो और यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लो। जब ये बॉल यहाँ आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, जब ये बॉल यहाँ आएगा तो इसके पास एनर्जी कंजर्व करा दो, पोटेंशियल एनर्जी MgH मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ठीक है, और m ने m को, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 2gh अंडर रूट आ जाएगी, ठीक है। ये वेलोसिटी कहाँ से मिली बोलो, ये वेलोसिटी h से मिली, h को कम या ज़्यादा करने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर h इससे कम कर दोगे तो हो सकता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो ही नहीं, वेलोसिटी कम मिल जाए। h बहुत ज़्यादा कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बड़े आराम से होगा, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी है मिनिमम वेलोसिटी के कंडीशन के इक्वल तो होना ही चाहिए, मतलब 5RZ के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये आ जाएगा 5RZ अंडर रूट, ठीक है। रूट ने रूट को स्क्वायर कर दिया, खत्म हो गया, और जी ने जी को, इसका मतलब ये हुआ एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/2 r, ठीक है। तो 5/2 r एक रेडियस है, हमें डायमीटर के टर्म में निकालना है, तो तो ये आ जाएगा 5/2 5/4 कैपिटल D, ठीक है ना, 5/4, मतलब ये D ऑप्शन सही है ना, क्लियर है आपको, समझ में आ गया होगा।